हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। तो इस वीडियो में जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग देखने वाले हैं हिंदी साहित्य के इतिहास, जितने भी क्वेश्चंस बन सकता है उन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इसमें आप लोग को कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर को और 3 नंबर का क्वेश्चन आता है, मतलब टोटल 5 नंबर का आएगा। अगर आपको ये 5 नंबर चाहिए है ना, तो आपको तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जाम में या हम लोग का मॉडल पेपर्स में जो भी क्वेश्चंस है, तो उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, जिससे आप लोग का क्या हो जाए, एग्जाम के लिए तैयारी हो जाए। सबसे पहले आदिकाल, आदिकाल किन किन नामों से जाना जाता है, इन चीज़ों को जान लो, है ना। 2 नंबर में पूछा जा सकता है आदिकाल को और किन किन नामों से जानते हैं। तो आदिकाल हिंदी साहित्य का आरंभिक काल माना जाता है, इसलिए इसे आरंभिक काल भी कहते हैं। इस काल में वीर प्रधान रस रचनाओं की प्रधानता है, इसलिए इसे वीर गाथा काल कहते हैं। चारण कवि अपने आश्रयदातों की प्रशंसा किया करते थे, ठीक है, इसलिए इसे चारण काल भी कहते हैं। ठीक है, 3 चीज याद रखेंगे आप लोग, आरंभिक काल और वीर गाथा काल और तीसरा चारण काल, चौथा देखो सिंध सामंत युग, अभ्रंश काल, भाट काल। इतने नामों को आप लोग याद कर लो, फिर ये 2 नंबर में आएगा तो आप लोग का बन जाएगा, क्लियर। अब बात कर लेते हैं वीर गाथा काल की विशेषता। जितने भी विशेषता आप लोग पढ़ोगे वो 3 नंबर में आएगा, तो 3 नंबर के लिए आप लोग लगभग 4 से 5 विशेषता आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। हम लोग इसमें क्या क्या देखने वाले, वीर गाथा काल की विशेषता, तो इसमें लगभग आप लोग को 3 नंबर के लिए है, तो 5-5 विशेषताएं आप लोग याद रखेंगे। जैसे कि पहला, युद्धों का जीव, वीर गाथा काल तो वीरों के बारे में ही होगा, है ना। युद्धों का सजीव वर्णन हुआ रहता था इसमें, युद्ध के बारे में बताते थे, ठीक है, वीरों के बारे में बताते थे। इसमें हम लोग ये याद रख सकते हैं कि वीर रस तथा ओज गुण प्रधान रचनाओं का बाहुल्य, इस काल के अधिकांश कवि चारण भाट थे, ठीक है। इस तरीके से सब भी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। वीर भावों पर आधारित महाकाव्य, प्रबंध काव्य इत्यादि का वर्णन था, प्रकृति और सौंदर्य का चित्रण भी देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन, इसी में ये भी पूछा जा सकता है 2 नंबर के लिए, वीर गाथा काल की प्रमुख कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखो कर। तो इसके आंसर इस तरीके से हो जाएगा, नरपति नाल हो जाएगा, जिसकी रचना क्या है, भीषल देव रासो। चंबरदाई हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। दलपति, तो जितने भी रासो वाला रहेगा उसको याद कर लो, रासो रासो को, ताकि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए, है ना। अगला देख लेते हैं, पूर्व मध्य काल या भक्ति काल। तो ये इसमें ये क्वेश्चंस तो पूछ सकते हैं, बहुत रेयर चांस है इसका कि भक्ति काल प्रारंभ कब हुआ, इस काल को भक्ति काल क्यों कहते हैं करके, ठीक है। तो इसकी आंसर इस तरीके से हो जाएगा, भक्ति काल इसलिए बोलते हैं, आपको जानना पड़ेगा इस काल में। और वीर गाथा काल को वीर गाथा काल क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें वीरों का वर्णन होता है, ठीक है। आदिकाल को वीर गाथा काल क्यों कहते हैं, मतलब उसमें वीरों का वर्णन हुआ। चारण काल क्यों बोलते थे वो भी याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है ना। इस काल में भक्ति कवियों द्वारा शांत रस प्रधान भक्ति रचनाओं की रचना की गई, ठीक है। शांत रस का वर्णन है, पूरा से भक्ति भाव का वर्णन है, इसलिए इस काल को भक्ति काल कहते हैं। इस तरीके से आप लोग बहुत आसान भाषा में लिख सकते हैं। और प्रारंभ कब हुआ, 1375 से लेकर के 1700 तक, ठीक है, क्लियर। फिर भक्ति काल की विशेषता बोल सकते हैं, तो इसमें विशेषता इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे कि भक्ति भावना की प्रधानता होती थी, ठीक है, और कौन सी रस शांत रस का होता था वर्णन, काव्य की प्रमुख भाषा ब्रज व अवधी भाषा थी, ठीक है। इन सभी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। देखो, वात्सल्य शांत एवं श्रृंगार रस, 3 रसों का, गुरु की महिमा का वर्णन, जानते हैं कि आपके गुरु का महिमा का वर्णन तो होगा ही होगा भक्ति काल में, ठीक है। इस तरीके से आप लोग कंप्लीट इसको लिख सकते हैं, 5 याद रखेंगे। इसमें बहुत सारा भक्ति या भक्ति काल को बहुत से भागों में बांटा गया, तो उसको सभी को लिख लेंगे आप लोग, पहले निर्गुण सगुण, ठीक है, इस तरीके से, फिर राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, इस प्रेम मार्गी, सभी को आप लोग इसके टेबल को तो पूछ सकते हैं, तो उस टेबल को भी याद रख लेंगे। तो राम भक्ति शाखा की विशेषताएं लिखे करके पूछ सकते हैं, इसकी चांसेस जो है कम है कहीं ना कहीं से, बाकी अब प्रगतिवाद छायावाद इन सभी को करेंगे, है ना, ज़्यादा अच्छे से। अगर आप लोग को कम कर रहा है तो आप लोग को बता दूं, पहला दूसरा, ठीक है, वीरगाथा काल को करेंगे उत्तर का इसमें से, ठीक है, वीरगाथा काल को कर लेंगे, फिर प्रगतिवाद प्रयोगवाद छायावाद इन चीज़ों को करेंगे, ठीक है। तो राम भक्ति शाखा की भी देख लेंगे भाई आप लोग, विशेषता इस धारा के अनुयायी राम को मानते थे, ठीक है, कंप्लीट आप लोग करेंगे, ठीक। इसकी रचना भी देख सकते हैं, तुलसीदास क्या 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 किए, रामचरित मानस, वीणा पत्रिका इत्यादि, नाभादास भक्तमाल का किए, क्लियर, इसको कंप्लीट आप लोग करेंगे। कृष्ण भक्ति की विशेषताएं स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए, और इसकी कवि भी इस तरीके से है, ठीक है। इसमें क्या है, आप लोगों को कुछ चीज़ें खुद ही याद रखनी पड़ेगी, जिससे आप लोग एग्जाम में कर पाओ, है ना, ठीक।
तो आप कंप्लीट इसको देख लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे भाई, ताकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी में हेल्प मिलती रहे बोर्ड एग्ज़ाम तक, है ना, ताकि आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते, डाउट तो आएगा, तो डाउट कौन सा चैनल दूर करेगा, आपका अपना एकलव्य RPS ही दूर करेगा आपके डाउट के लिए, वीडियो आपका हमारा ही चैनल बनाएगा, है ना, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, वीडियो को लाइक करके रखेंगे, सभी चीज़ को बहुत ध्यान से कर लेंगे। और बात कर लेते हैं इसका PDF का, तो PDF को आप लोग को इजीली प्रोवाइड किया जा सकता है, आप लोग इसके लिए PDF के लिए मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, आपको ग्रुप से भी मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से और टेलीग्राम ग्रुप से भी मिल जाएगा, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वो सबसे ईजी होता है, आसान तरीका, सेफ वही होता है ना, इसलिए आप लोग उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है, पूरे PDF को, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, तो शेयर जरूर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।